हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए, आज हम लोग सीटेट गणित में उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो सीटेट के एग्जाम में निश्चित पूछे जाते हैं, जिसमें है यानी जो हमको पढ़ना होता है सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड यानी जिसको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। और दूसरा जो होता है सार्वगुणज, सार्वगुणज यानी कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, सीधी सी बात करें कि सार्व गुणनखंड क्या है, तो दो या दो से अधिक संख्याएं यानी दो या दो से अधिक संख्याएं जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, यानी दो या दो से अधिक संख्याएं दी गई हों जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, उसे हम सार्व गुणनखंड कहेंगे ना। और सार्वगुणज क्या होगा, दो या दो से अधिक संख्याएं जिन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देंगी उसे हम सार्वगुणज कहेंगे। सही है। देखिए, सार्वगुणनखंड क्या हुआ, दो या दो से अधिक संख्याएं, दो या दो से अधिक संख्याएं जिन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी उसे सार्वगुणनखंड कहेंगे या कॉमन फैक्टर कहेंगे। लेकिन दो या दो से अधिक संख्याएं जिन संख्याओं को विभाजित कर देंगी, जिन संख्याओं को विभाजित कर देंगे उसे सार्वगुणज कहेंगे। जैसे देखिए, अगर हम कहें 6 और 12, मान लीजिए 6 और 12 हमने ले लिया। अब देखिए, 6 और 12 किससे विभाजित हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 से विभाजित होगा, यानी 1 जो है 6 को विभाजित कर देगा और 12 को विभाजित कर देगा, यानी 6 और 12 का सार्व गुणनखंड क्या है, 1 है। सही। फिर देखिए, 2, 2 भी 6 को विभाजित कर देगा और 12 को विभाजित कर देगा ना, तो यानी 6 और 12 का सार्व गुणनखंड कौन हुआ, 2 हुआ। फिर देखिए, 3, 3 भी 6 को विभाजित करेगा और 12 को विभाजित करेगा, इसलिए 3 भी 6 और 12 का क्या हुआ, सार्व गुणनखंड हुआ। फिर इसके बाद 6, क्योंकि 4 होगा नहीं ना और 5 से कटेंगी नहीं, 6, 6 के बाद अगर 7 जाएंगे 8 जाएंगे तो 6 तो कटेगा नहीं, बाकी नहीं होगा तब सार्व गुणनखंड। अब यहां ध्यान दीजिए, यानी 6 और 12 का जो सार्व गुणनखंड हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और 6 हुआ। लेकिन अगर हम कहें तो इसमें सबसे छोटा जो सार्व गुणनखंड हुआ वह कितना है, 1 है ना, यानी यह जो है सबसे छोटा सार्व गुणनखंड। यानी किसी भी संख्या का सबसे छोटा सार्व गुणनखंड 1 होता है, इससे छोटा नहीं होगा। फिर देखिए, इन दोनों संख्याओं के लिए सबसे बड़ा यह हुआ, 6 हुआ, इससे बड़ी कोई संख्या होगी नहीं, तो हम कह सकते हैं ना कि सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड। अब देखिए, सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा, म स प, म स और प, यानी कि 6 और 12 का महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे, जो आएगा वही इसका सार्व गुणनखंड होगा। ठीक है, सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड होगा। जैसे देखिए, 6 और 12 का जब हमको म स निकालना हो तो देखिए, 2 से दोनों कट जाएंगे, 2 त्याई 6, 2 छक्का 12। फिर देखिए, कितने से कटेंगे, 3 से कटेंगे, क्योंकि 2 अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, अर्थात यही जिससे दोनों संख्याएं कटें वही
मसप होगा यानी दो त्याई छे, इनका मसप कितना हो गया, छे हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं किन्हीं संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड उन संख्याओं का क्या होता है, मसप होता है, यानी महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए। अब उसी तरह से अब यह बताइए कि अब यह जो संख्याएं हैं, अब इनका अगर सार्वगुणज निकालना चाहें हम, तो देखिए यानी 6, 7, 8 तो होगा नहीं। अब सबसे छोटा क्या हो जाएगा, यानी 12। 12 एक संख्या है जिस जो 6 से विभाजित हो जाएगी और 12 से विभाजित होगी, यानी 6 और 12 का सबसे छोटा सार्वगुणज कितना हुआ, 12 हुआ। फिर देखिए उसी तरह से 24 हो जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 12 से भी कटेगा। फिर 36 हो जाएगा, 6 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। फिर 48 भी हो जाएगा, 12 से भी कटेगा और 36 से भी कटेगा। यानी अभी बड़ा हम निकाल सकते हैं ना। अब यहां पे ध्यान दीजिए, 6 और 12 का जो सार्वगुणज हुआ, 12 भी होगा, 24 भी होगा, 36 भी होगा और 48 भी होगा, लेकिन सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होगा, यहां पे ध्यान दीजिए, यह जो है सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज हुआ, जो अगर हम कहें तो इनका एलसीएम निकाल लेंगे या लसप, जो लसप निकालेंगे उसी के बराबर होगा। जैसे 6 और 12 का लसप निकालेंगे, आप देखिए 2 तिहाई 6, 2 चौको 12, ठीक, अरे 2 छक्का 12, सॉरी गलत, 2 छक्का 12। फिर देखिए 2 से कटेगा, 2 तिहाई ये तो कटेगा नहीं, अब 2 तिहाई 6 हो जाएगा ना। फिर 3 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12, ठीक, अर्थात इसका लसप कितना आ गया, 12 ना, जो लसप आया वह कितना आया, 12 आया। यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी दो या दो से अधिक संख्याओं का जो सबसे छोटा सार्वगुणज होता है वह क्या होता है, उन संख्याओं का लसप होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है ना। अब दूसरा चीज, अब कहा जाए कि नहीं सबसे बड़ा सार्वगुणज क्या होगा, तो सबसे बड़ा जो सार्वगुणज होगा अनंत होगा, क्योंकि हम जितने में दो का गुणा करते जाएं तो अगली संख्या प्राप्त होती जाएगी। यानी सबसे बड़ा सार्वगुणज, सबसे बड़ा सार्वगुणज, सबसे बड़ा सार्वगुणज क्या होगा, अनंत होगा, यानी जिसे नहीं ज्ञात किया जा सकता। यानी कि आपसे अगर कहा जाए कि सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होगा, तो उन संख्याओं का लसप होगा, जबकि सबसे बड़ा सार्वगुणज क्या होगा, तो अनंत होगा ना। और कहा जाए कि सबसे छोटा सार्वगुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, जबकि सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या होगा, उन संख्याओं का मसप होगा ना। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटा सार्वगुणज निकालना हो तो जो संख्याएं दी गई हैं उनका लसप निकाल लेंगे तो आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। यानी 2-3 पॉइंट जो है नोट किया जा सकता है, तो नोट देखिए, नोट पॉइंटों में क्या लिखा जा सकता है, किन्हीं संख्याओं का, किन्हीं संख्याओं का सबसे छोटा सार्वगुणनखंड, सबसे छोटा सार्वगुणनखंड किन्हीं संख्याओं का सबसे छोटा सार्वगुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। चाहे कोई संख्याएं दी गई हो, सबसे छोटा सार्वगुणनखंड क्या होगा, 1 होगा।
जबकि सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड, अगर सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड निकालना है तो क्या करना होगा, संख्याओं का क्या करेंगे, मसप, संख्याओं का मसप निकाल लेंगे तो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड मिल जाएगा ना। उसी तरह से अब इधर आ जाइए, सबसे छोटा सार्वगुणज निकालना हो, यानी किन्हीं संख्याओं का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होगा, संख्याओं का लसप, लघुत्तम समापवर्तक होगा ना। जबकि सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड गुणज, सार्वगुणज क्या होगा, अनंत होगा या ज्ञात नहीं किया जा सकता ना। सबसे बड़ा सार्वगुणज ज्ञात नहीं किया जा सकता, जबकि सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होगा, संख्याओं का लसप होगा। सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या होगा, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या होगा, संख्याओं का मसप। सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होगा, तो संख्याओं का लसप। बस इन्हीं दो चीजों को हमें ध्यान में रखना है, और इन्हीं के इर्द गिर्द जो सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप निश्चित तौर पे एक या दो क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं इसको लेकर, तो आप कर सकते हैं, इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसे मिटाते हैं। आगे देखिए, इस पर जो आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए उन क्वेश्चनों की हम लोग बात करते हैं। देखिए सीटेट में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए उन क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, जैसे हम एक की बात करें, 5, 10 और 35, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर है, सबसे बड़े सार्व गुणनखंड का अंतर है। 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्व गुणज और सबसे बड़े सार्व गुणनखंड का अंतर है, जो ऑप्शन दिया गया, ए 75, बी 30, सी 35 और डी 65। देखिए यानी कह रहा है कि 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर है,
यानी लसप और मसप का अंतर है ना। देखिए किसका, 5, 10 और 35 का मसप और लसप निकालना है। देखिए एक ही मेथड से कितनी आसानी से हम लोग मसप और लसप निकालेंगे। देखिए मसप निकालना हो तो देखिए यह तीनों संख्याएं किस संख्या से विभाजित हो जाएंगी, 5 से विभाजित होंगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 ना, और 5 साते 35 हो गया। ठीक, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 साते 35। अब देखिए कोई ऐसी संख्या है जो सबको विभाजित कर दे, नहीं है, एक के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं है, अर्थात जो मसप आया 5 आया, मसप या इसको हम कह सकते हैं सार्व गुणन खंड, सार्व गुणन खंड कितना आ गया भैया, 5 ना, सही। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब इसको पूरा इसका गुणन खंड कर लीजिए। देखिए 2 से कटेगा 7 हुआ, फिर देखिए किससे, 7 से कटेगा, ठीक, अर्थात इसका लसप कितना आया, 5 दूनी 10 साते 70, यही होगा ना। देखिए लसप यानी जो लसप है वह क्या है, सार्व गुणज है ना, सार्व गुणज, लेकिन यह सबसे बड़ा सार्व गुणन खंड हुआ, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी, और यह सबसे छोटा यानी इसको हम लिख सकते हैं सबसे बड़ा, सबसे बड़ा सार्व गुणन खंड और सबसे छोटा, सबसे छोटा सार्व गुणज कितना हुआ, 70 हुआ। अब कह रहा है 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्व गुणज और सबसे बड़े सार्व गुणन खंड का अंतर है, यानी सबसे बड़ा, सबसे छोटा सार्व गुणज कितना है, 70, और सबसे बड़ा सार्व गुणन खंड कितना है, संख्याओं का मसप अर्थात 5 घटा लीजिए, 70 में से 5 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 65, अर्थात उनका अंतर कितना हो जाएगा, तो 65 हो जाएगा ना। ठीक, देखिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां से जो क्वेश्चन होता है हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, आइए क्वेश्चन नंबर 2। तीस छत्तीस और बयालीस के सबसे छोटे सार्व गुणज तथा सबसे बड़े सार्व गुणन खंड का गुणनफल है, सबसे बड़े सार्व गुणन खंड का गुणनफल है, ऑप्शन है 746, ऑप्शन बी है 7660, ऑप्शन सी है 7650, ऑप्शन डी है
7560। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल है ना, यानी कि 30, 36 और 42 के लसप और मसप का गुणनफल है। कहने का मतलब यही है ना, सबसे छोटे सार्वगुणज यानी लसप तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड यानी मसप। तो देखिए 36, 36 और 42 का निकालना क्या है, मसप, ठीक, और लसप। देखिए एक ही मेथड से दोनों निकाल लेंगे। देखिए ये दोनों किससे कटेंगे, 6 से तो कटेंगे ना, सभी संख्याएं 6 5 30, 6 6 का 36 और 6 7 42। अब क्या कोई ऐसी संख्या है जो 6 के अतिरिक्त कोई ऐसी, देखिए कोई ऐसी संख्या है जिससे 5 6 और 7 कटेंगे, तो आप कहेंगे नहीं। यानी जो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड हुआ, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड कितना आ गया, तो आया 6 ना। अब देखिए इसके अतिरिक्त 5 से कट जाएगा, तो यह केवल कटेगा, यह कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं, 6 से कटेगा 1 1, 7 नहीं कटेगा, फिर 7 से कटेगा 1 1 1, ठीक। अब देखिए अगर हम कहें तो 6 5 30 और 6 7 42, यानी 42 गुणे 30, ठीक, 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक को 12, कितना हो गया, 3 दूनी 6, 3 चौक को 12, 1260 हो गया ना। यानी सबसे छोटा सार्वगुणज कितना, 1260। सबसे छोटा सार्वगुणज कितना, 1260, और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड कितना, 6। कह रहा है दोनों का गुणनफल कितना होगा, यानी 6 से गुणा कर दें, 0, 6 छला के 36 को 6, हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15, हासिल लगा 1, 6 एक कम 6 एक 7, 7560 हो जाएगा ना, जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया, डी में, कितना, 7560। यानी 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल कितना हो जाएगा, यानी मसप और लसप का जो गुणनफल होगा वह 7560 होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, डी में दिया गया है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं, और जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीस और साठ का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज भागे 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, बराबर है, यानी
36 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज में अगर हम भाग कर दें 18 और 45 का सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड का तो कितना आएगा? ए दिया गया 20, बी दिया गया 30, सी 40 और डी 10। यानी 36 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज, यानी 36 और 60 का क्या लसअप है ना। देखिए 36 और 60 का क्या निकालना, लसअप। ठीक, आप चाहे तो दो से भी भाग देके बहुत लंबा कर सकते हैं, लंबा करने की जरूरत नहीं। देखिए 6 से दोनों कटेंगे, 6 चला के 36, 6 दहा में 60, फिर 2 से कटेंगे, 2 त्याई 6, 2 पाँचे 10। ठीक, 2 त्याई 6, 2 पाँचे 10 हो गया। 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 5 बच गया, 5 से कटेगा ना, 5 एकम 5। ठीक, देखिए कितना हो गया, 5 दूनी 10, 6 तिरी 18, 5 दूनी 10, देखिए 2 पाँचे 10 और 6 तिरी 18, 18 दहा में 110। यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे छोटा सर्वगुणज, सबसे छोटा सर्वगुणज 180 हो गया ना। देखिए 2 पाँचे 10, 6 तिरी 18, 18 दहा में 180। ठीक, फिर देखिए कितना, 18 और 45 का सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड, 18 और 45। देखिए ऐसी संख्या सोचिए ना जिससे दोनों कट जाएंगे, 9 दुनी 18, 9 पाँचे 45, 9 से कटेंगे, 9 दुनी 18, 9 पाँचे 45। अब हमको क्या निकालना है, इसका सबसे बड़ा सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड निकालना है, मसअप निकालना है। तो देखिए अब जो संख्याओं से कटेगा वही है, और इसमें लसअप में जिससे नहीं भी कट रहा है दोनों संख्या उसे भी रखना है, जिससे कट रहा है उसे भी रखना है। यानी कि सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड कितना, तो 9 आ गया। अब कह रहा है कि सब 36 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज में भाग करना है 18 और 45 के सबसे बड़े सर्वगुणनखंड में ना। अब ध्यान दीजिए 36 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज कितना आया, तो 180। यानी 180 में हमें भाग किससे कर देनी, तो अब ध्यान दीजिए 18 और 45 का सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड, तो 18 और 45 का सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड कितना आया, 9। तो 9 दुनी 18, जीरो उतारेंगे जीरो बढ़ा देंगे, अर्थात कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जो कहां दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ना। देखिए हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं सबसे बड़ा सर्वगुणज या सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड ना। 36 और 60 का सबसे छोटा सर्वगुणज कितना आया, 180। 18 और 45 का सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड कितना आया, तो 9। यानी 180 में 9 की भाग कर देंगे तो 20 बार जाएगा ना, अर्थात इनका भागफल कितना आ जाएगा, 20 आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले पार्ट में हम लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आएंगे।